दुनिया का सबसे बड़ा दान देहदान, अंगदान, रक्तदान और नेत्रदान। अमेठी जिले के जामो विकासखंड स्थित बलभद्रपुर इंदपुर गांव में रायबरेली एम्स हॉस्पिटल से आई डॉक्टरों की टीम ने देहदान, अंगदान, रक्तदान, नेत्रदान का शिविर लगाया, जिसमें हाईकोर्ट लखनऊ के डिप्टी शाली सीटर जनरल ऑफ इंडिया सूर्यभान पांडे ने पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत किया। इस शिविर में अंगदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। शिविर में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। वहीं डॉक्टर के साथ पूर्व में अपना नेत्रदान व अन्य दान कर चुके लगभग 7 व्यक्तियों ने लोगों को प्रेरित किया। युवा मीडिया संवाददाता अमेठी से रमेश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी का आप मीटर का सम्मान करें। हमारे सभी डॉक्टर इनकी उपस्थिति कर्तव्य अपनी बंद न करें। डॉक्टरों के डॉक्टर नवीन सागर जी, डॉक्टर गीति, आपकी तालियां कमजोर हो गई लग रहा है। मैम, आज आपने एक शिविर लगाया है, क्या है पूरा कार्यक्रम? मेरा नाम डॉक्टर शक्ति गर्ग है और मैं एम्स रायबरेली में प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष हूँ। ये शिविर हमने जागरूकता फैलाने के लिए किया है कि नेत्रदान, देहदान, अंगदान, रक्तदान का महत्व क्या है। क्योंकि मैं आँख की विभाग अध्यक्ष हूँ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नेत्रदान एक महादान है। ये चारों धामों की में दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है उसके बराबर का दान है। ये दान की जरूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि अंधता का कारण, मुख्य कारण हमारी आंख की पुतली का सफ़ेद होना है। अगर वो ठीक हो जाए, अगर नेत्रदान के द्वारा ठीक हो जाए तो इससे अच्छी हम दुनिया में कोई और चीज़ फैला ही नहीं चल सकते। क्योंकि अंधे को अगर दुनिया की रोशनी और सुंदरता दिखा दें तो उससे बड़ा पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता। नेत्रदान करने के लोग इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि उनके मन में कुछ भ्रम पैदा होते हैं कि उसकी वजह से उनके शरीर में विकृति आ जाएगी, अगले जन्म में जब वो पैदा होंगे तो उसमें अपाहिज होने की चांसेस हैं। उसको बस दूर करने के चक्कर में हमने ये शिविर लगाया है जिससे उन्हें बता पाएं कि शरीर और आत्मा का मरण उपरांत कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं होता है। जो आप दान करके जाएंगे वही पुण्य आप ऊपर लेके जाएंगे। मैम, आज गांव में शिविर लगाया है, नेत्रदान वाले कितने लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं? आज करीब 90 से 100 लोगों ने यहाँ पे भाग लिया है और मैं समझती हूँ कि उन लोगों ने बहुत इच्छुक होकर सारा ज्ञान उन्होंने लेने की कोशिश की है और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से हमको ये लगता है कि वो काफ़ी प्रभावित भी हुए हैं और वो स्वेच्छित उसको प्लेज भी करेंगे कि वो मरणोपरांत नेत्रदान और अंगदान और देहदान करेंगे। धन्यवाद। गांव में आपने शिविर लगाया है नेत्रदान देहदान का, क्या है पूरा कार्यक्रम? मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर पातले, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफर मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में, एम्स रायबरेली में। हमने यहाँ पर जो शिविर लगाया है उसका ये अनुरोध था कि लोगों में जागरूकता फैलानी है, अंगदान करना है, देहदान करना है और उसके साथ जीते जी वो पेशेंट्स की जान बचा सके, लोगों को हेल्प कर सके बाय डूइंग ब्लड डोनेशन या फिर रक्तदान करते हैं। आपका एक रक्तदान 4 पेशेंट्स की जान बचा सकता है। काफ़ी बीमारियां ऐसे हैं जो पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ आपके रक्तदान पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर कोई ब्लड कैंसर वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी आपके रक्तदान पर ही जीवित रहते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि लोग वॉलंटरीली सामने आए, खुद से आकर डोनेशन करें ताकि हमारी जो खून की कमी है या फिर हमारी जो सोसाइटी में लोग आगे नहीं आ रहे हैं उनमें जागरूकता फैले और लोग खुद से ब्लड डोनेशन करें। आपका
मेरा नाम प्रशांत है। कहाँ से आए हैं? आज आपने नेत्रदान का शपथ जो है संकल्प लिया है, क्या है? जिस तरह से हमारी अपने प्रति अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी होती है, उसी तरह सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम सपत्नी नेत्रदान का संकल्प लेते हैं और इसको मैं कोई दान नहीं मानता, ये सामाजिक जो दायित्व है उसका निर्वहन मानता हूँ। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरी पत्नी के दादाजी ने नेत्रदान किया था और तभी से मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, और अभी तो मेरा संकल्प नेत्रदान का है। अगर हमारे बच्चे सहमत हो जाते हैं तो मैं देहदान के लिए भी आगे आया।